नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नोहर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं, अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं पढ़ेंगे। अमेरिकी विदेश नीति पढ़ रहे हैं इन दिनों हम, तो आज इसकी विशेषताएं या मुख्य लक्षण क्या है अमेरिकी विदेश नीति की पढ़ रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरा है और एक प्रमुख महाशक्ति अमेरिका रहा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, और साम्यवादी शक्ति के रूप में सोवियत संघ रहा। दोनों राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध चलता रहा, युद्ध नहीं हुआ, लेकिन युद्ध का सा माहौल संपूर्ण विश्व में कायम रहा। दोनों राष्ट्रों में विचारधारा का संघर्ष था। सोवियत संघ साम्यवादी होने के नाते विस्तारवादी नीति में भरोसा करता था, और जो राष्ट्र लोकतांत्रिक थे या जो नव स्वतंत्र हो रहे थे उनमें भी साम्यवाद का प्रसार करना सोवियत संघ का उद्देश्य रहा। अमेरिका एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते और महाशक्ति होने के नाते स्वयं को लोकतांत्रिक राष्ट्रों का, पूंजीवादी राष्ट्रों का लीडर मानता था, इसलिए साम्यवादी प्रसार को रोकना अपना घोषित उद्देश्य उसने माना। और साम्यवादी प्रसार को रोकने में उसने पूरा प्रयास भी किया। इसके लिए सैनिक संगठन बनाए, सैनिक संधियां की, जो संभव हो सका अमेरिका साम्यवादी प्रसार को रोकने में करता रहा। हालांकि चीन में भी 1949 में साम्यवादी क्रांति, साम्यवादी शासन कायम हो गया। पूर्वी यूरोप के अनेक राष्ट्रों में साम्यवाद आ गया, लेकिन अमेरिका को निरंतर ये भय बना रहा कि कहीं संपूर्ण विश्व साम्यवादी न हो जाए। और स्वयं उनके राष्ट्रों में लोकतांत्रिक राष्ट्र ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, उनमें भी कहीं साम्यवाद का खतरा न हो, तो उसका प्रयास साम्यवादी प्रसार को रोकना ही रहा। कई वर्षों तक उसकी नीति का जो मुख्य लक्षण जो है साम्यवाद को रोकना रहा। इसके लिए उसने कई प्रयास किए। तो आज हम अमेरिकी विदेश नीति के लक्षण कर रहे हैं, विशेषताएं कर रहे हैं। तो पहला उसमें साम्यवाद का अवरोध ही आता है, पहला जो लक्षण है। द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्यवाद का अवरोध अमेरिकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही। जहां कहीं सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता है, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। विदेश नीति के अन्य सभी तत्व द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सुरक्षा संधियां, सैनिक संगठन, विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना, शस्त्रों की होड़ आदि साम्यवाद के अवरोध के परिणाम थे। यानी जहाँ कहीं भी पक्षीय, द्विपक्षीय सैनिक समझौते, सैनिक संधियाँ अमेरिका ने की अन्य राष्ट्रों के साथ, सैनिक अड्डे स्थापित किए, शस्त्रों की होड़ शुरू हुई, जहाँ कहीं भी छोटे मोटे युद्ध भी किए, जो शीत युद्ध चलता रहा, ये सब जो है अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रहा, मुख्य जो है लक्षण रहा, मुख्य उसकी विशेषता रही। ये सब उसने किया साम्यवाद को रोकने के लिए, साम्यवाद के प्रसार को। वो चाहता भी नहीं था कि सोवियत संघ में साम्यवाद आए, लेकिन वो बस नहीं चला उन सब का। तो जब साम्यवाद स्थापित हो गया तो साम्यवाद के प्रसार को रोकना अब उनका घोषित उद्देश्य हो गया, अब उनका मुख्य लक्षण जो है विदेश नीति का हुआ कि साम्यवाद को रोकना है, साम्यवाद के प्रसार को रोकना है। दूसरा लक्षण, दूसरी विशेषता आता है सैनिक संधियों की नीति, सैनिक संधियां की अमेरिका ने संपूर्ण विश्व में
और उसका उद्देश्य भी साम्यवाद के विस्तार को। अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ और चीन द्वारा अन्य राष्ट्रों में साम्यवाद का प्रसार न किया जाए, इसे तो उसने कई संधियां विश्व में की। रियो संधि, नाटो संधि, एंजस संधि, सीटो संधि, सेंटो संधि आदि अमेरिका ने की साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ 1947 में रियो संधि, 1949 में नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए, 1957 में सीटो संधि, 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका के मध्य एंजस संधि पर हस्ताक्षर हुए। इन सभी संधियों, इन सभी सैनिक समझौतों और नाटो संगठन तो आज भी शीत युद्ध समाप्ति के पश्चात भी चल रहा है, और एंजस और जो है रियो संधि आज भी चल रही हैं। इन सब का उद्देश्य अमेरिका द्वारा यही था कि इन राष्ट्रों के साथ, इन राष्ट्रों पर कहीं भी कोई साम्यवादी विस्तार का प्रयास किया जाता है तो ये विभिन्न संगठन, विभिन्न सैनिक संगठन विश्व में, इन विभिन्न सैनिक संगठनों के माध्यम से जो है साम्यवादी प्रसार को रोका जाएगा और अमेरिका के द्वारा एक तरह से युद्ध किया जाएगा। ये उद्देश्य सैनिक संधियों का रहा, और नाटो और सीटो सेंटो इन संधियों के माध्यम से कई युद्ध विश्व में बहुत जगह जो है युद्ध भी हुए, जहां अमेरिकी सेनाएं इन संगठनों के माध्यम से कार्य करती रही। तो सैनिक संधियों की नीति रही अमेरिका की, और आज भी नाटो संगठन चल रहा है एक सैनिक संगठन के रूप में, और अन्य जो संधियां हैं वे भी चल रही हैं। तीसरा अमेरिकी विदेश नीति का लक्षण आता है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। विदेशी आर्थिक सहायता, आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में अमेरिका रहा है, महाशक्ति है, तो उसने विदेशी आर्थिक सहायता यानी अन्य राष्ट्रों की आर्थिक सहायता भी अमेरिका करता रहा है। इस आर्थिक सहायता के पीछे कई उद्देश्य रहे, जिनमें पहला आता है आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना, जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, पहला उद्देश्य इसका रहा। दूसरा है आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना, और उसने ऐसा किया भी। यूनान, तुर्की आदि देशों, ईरान तुर्की आदि देशों को आर्थिक सहायता दे करके जो है साम्यवादी होने से बचाया, क्योंकि इन राष्ट्रों पर साम्यवाद का खतरा मंडरा रहा था। सोवियत संघ इनसे जो है इनको दबाव में ला करके साम्यवादी करना चाहता था, इनका इनकी सत्ता का तख्ता पलट करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इन राष्ट्रों की आर्थिक सहायता दे करके उनको साम्यवादी होने से रोका। तीसरा उद्देश्य रहा सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सहायता प्राप्त करना, इन राष्ट्रों को यानी राष्ट्रों को आर्थिक सहायता दे करके उनमें सैनिक अड्डे स्थापित किए अमेरिका ने, कई राष्ट्रों में बंदरगाहों की सुविधा वहाँ से प्राप्त की, ताकि वो विश्व में कहीं भी युद्ध कर सके, विश्व में अमेरिकी हितों की रक्षा कर सके। कई कार्यक्रम जैसे उदार पट्टा कार्यक्रम 1945 में, मार्शल योजना यूरोप के 16 राज्यों को 1948 से 1952 की अवधि में $20 अरब की सहायता दी गई मार्शल योजना के तहत, ताकि ये राष्ट्र जो है लोकतांत्रिक बने रहें, लोकतंत्र की रक्षा कर सकें और साम्यवादी होने से रुकें। 4 सूत्रीय कार्यक्रम भी ये कार्यक्रम था आर्थिक सहायता का, प्रगति के लिए मैत्री आदि अनेक कार्यक्रमों द्वारा अमेरिका ने अनेक राष्ट्रों की आर्थिक सहायता की, वहाँ सैनिक अड्डे और बंदरगाहों की सुविधा स्वयं के लिए प्राप्त भी की, और उन राष्ट्रों को साम्यवादी होने से भी रोका था। तो खुद की शक्ति का विस्तार अमेरिका ने किया आर्थिक सहायता करके, और स्वयं को लोकतांत्रिक गुट का लीडर जो है घोषित किया।
आगे के लक्षणों में आता है मानवाधिकारों का समर्थन। मानवाधिकार का एक अलग ब्यूरो जो है अमेरिकी विदेश विभाग में कार्यरत है, जिसका उद्देश्य जो है विश्व में कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी ओर संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित करना है, और हो सके तो उस राष्ट्र के विरुद्ध कार्यवाही भी अमेरिका कर देता है। तो मानवाधिकारों का समर्थक स्वयं को मानता है, एक लोकतांत्रिक होने के नाते, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते अमेरिका स्वयं को मानवाधिकारों की रक्षा का एक अधिकारी मानता है, और इसे तो संपूर्ण विश्व का ध्यान भी आकर्षित करता है, और आवश्यक हो तो स्वयं भी सैनिक कार्यवाही करते हुए उस राष्ट्र को, सैनिक या अन्य तरह की कार्यवाही करते हुए उस राष्ट्र को जो है मानवाधिकारों को मानने के लिए मजबूर भी करता रहा है। तो अमरीकी विदेश नीति का उद्देश्य या लक्षण मानवाधिकारों का समर्थन भी है। आगे आता है लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका लोकतंत्र बहाल करना चाहता है, जहाँ कहीं भी लोकतंत्र नहीं है, तो उस हेतु ये जो है पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप भी करता रहा है, सैनिक हस्तक्षेप करके वहाँ तख्ता पलटने से रोकता रहा है राष्ट्रों को, और पड़ोसी देशों को सैनिक सहायता दे करके वहाँ अपनी सेनाएं भेज करके लोकतंत्र बहाल भी करता रहा है। अमेरिका मध्य अमेरिका ने मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली तथा अमेरिकी नागरिकों के हितों के नाम पर 60 से अधिक बार दखल किया है। यानी 60 से अधिक बार अमेरिका ने अपने आसपास के मध्य और दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में सैनिक भेजे हैं, खुद के सैनिक हस्तक्षेप किया है और लोकतंत्र बहाल, और कहा है कि वहाँ लोकतंत्र को खतरा था, लोकतंत्र की बहाली के लिए ऐसा करना आवश्यक था और संपूर्ण विश्व ने उसे देखा है। तो 60 से अधिक बार लोकतंत्र बहाली के नाम पर आस पड़ोस के जो अमेरिकी राष्ट्र हैं उनमें अमेरिका ने सैनिक हस्तक्षेप किया है। आगे के लक्षणों में आता है विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति अमेरिका की रही है। विकासशील जो देश हैं, विश्व के जो उभर रहे राष्ट्र हैं, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, ब्राज़ील हो, अन्य कई राष्ट्र जो सैनिक, एक तरह से सैनिक गठबंधन करना चाहते हैं, या कहें तो परमाणु क्षमता हासिल करना चाहते हैं, परमाणु समझौते जहां भी करते हैं, उन पर दबाव बनाने की नीति अमेरिका की रही है। अपनी दादागिरी दिखाने का प्रयास अमेरिका ने हर जगह किया है, तो विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की इसकी नीति शुरू से रही है। रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित समझौता हो जाने पर भारत के इसरो को काली सूची में शामिल किया अमेरिका ने। 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए जाने पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, यानी भारत, इसके साथ साथ भारत को CTBT पर हस्ताक्षर के लिए, स्वयं अमेरिका ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान और अन्य राष्ट्रों पर दबाव बनाता रहा है कि वे अपने परमाणु क्षमता को न बढ़ाएं। जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया पोखरण में 1998 में, तब भारत पर और पाकिस्तान पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए, और रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में जो समझौता हुआ, भारत के अग्नि मिसाइल का भारत ने जो परीक्षण किया, तब भी अमेरिका का व्यवहार जो है अच्छा भारत के प्रति नहीं रहा। तो विकासशील देशों पर ये दबाव बनाए रखना चाहता है अपनी लीडरशिप स्थापित करने के लिए, ताकि ये राष्ट्र जो हैं परमाणु क्षमता हासिल नहीं कर सकें। आगे है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है, या एशिया जो है, विश्व का उभरता हुआ बाजार है। अमेरिका ये जानता है कि उसके व्यापारिक विस्तार के लिए, उसके व्यापार के लिए एशिया जो है 21वीं सदी का उभरता हुआ क्षेत्र है, उभरता हुआ महाद्वीप है, उसे अपने बाजार सामान को बेचने के लिए मंडियों की आवश्यकता है, और एशिया
ऐसा कर सकता है। तो कच्चा माल प्रदान करने वाली और तैयार माल को खपाने वाली मंडी के रूप में एशिया संपूर्ण विश्व के ध्यान को आकर्षित किए हुए है और अमेरिका भी बाजार हासिल करने के लिए निरंतर एशिया प्रशांत क्षेत्र में दिलचस्पी बनाए हुए है ताकि उसकी उसका व्यापार जो है अच्छे से चल सके और वो अपना विकास कर सके। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में वह विशेष दिलचस्पी इन वर्षों में रखता है। आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा, ऐसा उसने आजकल डिक्लेयर किया। 2001 के बाद 21 सितंबर 2001 को अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि आतंकवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है और इसको समर्थन या आतंकी को पनाह देने वाला जो राष्ट्र है वो अमेरिका का शत्रु माना जाएगा और अमेरिका की तैनात सेनाएं विश्व में जहां कहीं भी हैं वो उसको टारगेट कर सकती हैं, उसके खिलाफ युद्ध भी कर सकती हैं, ऐसा अमेरिका ने घोषित किया 2001 में जब उस पर स्वयं पर हमला हुआ। तब आतंकवाद उसको एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में नज़र आया जब स्वयं अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ, तो उसने घोषित कर दिया कि संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी आतंकवाद का समर्थन करना कोई राष्ट्र चाहेगा या उसको पनाह देगा तो वो अमेरिका का शत्रु माना जाएगा। आगे है आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। आश्रित जो अमेरिका पर आश्रित हों और उपग्रही यानी सैटेलाइट के रूप में जो राज्य काम करें, जो अमेरिका को पूछ कर काम करें, अमेरिका की नीति के अनुसरण करते हुए कार्य करें, अमेरिका के निर्देशन में कार्य करें और अपनी एक विदेश नीति अमेरिका के अनुरूप घोषित करें, ऐसे राष्ट्रों की स्थापना का उद्देश्य आजकल अमेरिका का हो गया